सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर का दावा, उनके स्टाफ ने ही की है उनकी हत्या। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। हाल ही में उनके पूर्व मैनेजर अंकित ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने स्टाफ मेंबर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक्टर को उन लोगों ने मिलकर जान से मारा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुशांत के रूम का दरवाज़ा अगर बंद था तो उन्होंने उसे खुलवाया क्यों नहीं, इंतज़ार क्यों करते रहे और दरवाज़ा तोड़ा क्यों नहीं। सुशांत की मौत को मर्डर बताते हुए अंकित ने बताया कि एक्टर ने खुद अपनी जान नहीं ली है। वह काफ़ी पॉजिटिव इंसान थे, लोगों को ज़िंदगी पॉजिटिवली लेने के लिए कहा करते थे। मुझे उन्होंने हमेशा बड़े भाई की तरह माना। मैंने कभी सुशांत को डिप्रेस नहीं देखा। हाँ, वह अपनी माँ के लिए कविताएं लिखते थे और कभी कभी भावुक हो जाते थे। सोशल मीडिया पर आजकल जो वीडियो और फोटो सामने आ रहे हैं उसमें मैं एक व्यक्ति दीपेश को देख रहा हूँ। मैंने जब सुशांत के यहाँ से जॉब छोड़ी तो दीपेश को जॉब मिली। उनकी जिम्मेदारी थी सुशांत की देखभाल करना। जब तक मैं सुशांत के साथ काम कर रहा था तो वह कभी रूम का दरवाज़ा बंद करके नहीं सोए। हाउस स्टाफ ने जब सुशांत के रूम का दरवाज़ा बंद देखा तो उन्होंने खुलवाया क्यों नहीं। अंकित आगे कहते हैं कि एक्टर अपना एक कैलेंडर बनाते थे जिसमें वह अगले दिन की दिनचर्या लिखते थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना पॉजिटिव व्यक्ति अपनी जान कैसे ले सकता है और वह डिप्रेशन में कैसे आ सकता है। अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी मिली। उनका कहना था कि अगर मैं सुशांत के केस में विटनेस बनूंगा तो मेरी जान भी वैसे ही ले ली जाएगी जैसे सुशांत की ली गई। मुंबई पुलिस की ओर से मेरे पास कोई समन नहीं आया है, मेरा स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत के दोस्त गणेश का कहना है कि सुशांत के घर जो पार्टी हुई थी उसमें कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई थी। उस पार्टी में बहुत कुछ हुआ था जिसके बारे में सुशांत सब कुछ जानते थे। इस मामले में संदीप नाम के एक शख्स का भी नाम गणेश ने लिया। उसने कहा कि संदीप भी काफ़ी कुछ जानते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने सुशांत की मौत की जानकारी देर से मिलने की बात कही थी। दूसरी ओर गणेश का कहना है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत को लेकर कोई राज जानते थे, इसकी जानकारी कुछ लोगों को लग चुकी थी। गौरतलब है कि सुशांत की मौत के कुछ ही दिनों बाद पार्टी वाली बात सामने आई थी। पार्टी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी थी। मामले में एक ओर जहां मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने खुदकुशी की है, वहीं दूसरी ओर सुशांत के करीबी इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार रहे हैं। इन सब के बीच पवित्र रिश्ता के डायरेक्टर और राजपूत के करीबी राम नरेश दिवाकर ने भी अभिनेता के परिवार के साथ सुर से सुर मिलाते हुए आत्महत्या की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी सारी ट्रॉफी और अचीवमेंट एक ग्रेव में डाला करता था क्योंकि वे कहता था कि मेरी सफलता सिर पर ना चढ़े। राम नरेश ने आगे बॉलीवुड के एक धड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज फिल्म इंडस्ट्री उस बंदे के लिए नहीं खड़ा हो रहा है जो उनकी ही कम्युनिटी का था, वो एक्टर ही तो था। आज कोई 2 शब्द उसके लिए नहीं लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता कि जस्टिस फॉर सुशांत, इतना लिखने में क्या दिक्कत हो रही है। यही नहीं, राम नरेश ने सुशांत की गर्लफ्रेंड को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि रिया से क्यों नहीं बात की जा रही है, जो लोग उसके साथ रहते थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, उनसे कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए, मुझे नहीं पता पुलिस क्यों नहीं कर रही है। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।